प्रयागराज माघ मेले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां माघ मेला के प्रशासन ने उखाड़े कल्पवासियों के टेंट व तंबू। संगम के माघ मेला शिविर में सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा माघ मेला प्रशासन आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और टेंट को उखाड़ डाले हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नहीं हटाओगे तो जेल में डाल दूंगा। प्रयागराज संगम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलिस प्रशासन ने खुद कल्पवासियों को धमकी देते हुए नजर आए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, शिवम नंदन त्रिपाठी, प्रयागराज। देखिए, ये काली सड़क पर हमारे तीर्थ पुरोहित समाज राजेश तिवारी जी का प्लाट था, जो आज यहाँ पर 20 वर्ष से इनको ये प्लाट मिलता है। मेला का एक नियम है कि जिस व्यक्ति की जमीन गंगा के कटान में प्रभावित होती है, उसे विस्थापित होकर के दूसरी जगह दिया जाता है। यदि उसकी जमीन अपनी जगह उपलब्ध है तो उसको कोई नहीं हटाता, ना हटा सकता है। इसी तरह का प्रकरण यहाँ का है। ये जमीन इनको वर्षों से उपलब्ध थी और आज भी उपलब्ध होने के कारण ये अपनी जगह पर बैठे। मेला प्रशासन का कथन है कि आपको जमीन सेक्टर 5 में आवंटित कर दी गई है, आप वहाँ स्थानांतरित हो। यहाँ किसी सामाजिक संस्था को या धार्मिक संस्था को या कोई संस्था है, हम जानते नहीं उसको ये प्लाट आवंटित है, जबकि संस्था को सबसे पहले तीर्थ पुरोहित और कल्पवासी को देखना चाहिए। और यहाँ जो आज स्थिति बनी, कल्पवासी उस भूमि पर बैठ चुका था, अपना कल्पवास का प्रण कर चुका था। जो यहाँ एक महीने के लिए आता है, जब प्रण कर लेता है तो वो संस्थान से वो नहीं हटता। यदि उसे प्रशासन या हम या कोई भी जोर जबरदस्ती से हटाते हैं तो वो मेला छोड़ के चला जाता है। यदि मेला छोड़ का एक भी कल्पवासी चला गया तो आपका इतना बड़ा मेला बसाना निरर्थक हो जाता है, एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कल्पवासी को आज उजाड़ा गया है मेला प्रशासन द्वारा, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि मेला प्रशासन उस कल्पवासी को उसी तरह से यथा स्थापित यहाँ पर बैठाए, उसके कल्पवास को पूरा कराए। ये हमारी मांग है तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से। साथ ही ये भी कहना है कि पुल नंबर 1, 2, 3 के पास किसी तरह का घाट का व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे कल्पवासी को 2-3 किलोमीटर सेक्टर नंबर 5 का शिवाला मार्ग या पुल नंबर 1 के पास उस पार जाके स्नान करना पड़ता है, जो कहीं पर बहुत ही कल्पवासी के लिए ये घोर जो है समस्या है। तो कल्पवासी की समस्या को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार, मेला प्रशासन, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुल नंबर 1, 2, 3 के बीच इस पार घाट का निर्माण किसी भी स्थिति में कराने। योगी सरकार, मैं राजेंद्र पालीवाल, तीर्थ पुरोहित समाज का महामंत्री। योगी सरकार। पिताजी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मधुबाला। अच्छा, कल्पवास आप करते हैं। आपका क्या नुकसान यहाँ हुआ है? अब यहाँ पर हमारा मोबाइल चला गया, सब देखे गिरा उड़ा, तो सब ये आप देख ही रहे हैं। जी जी। पैसा वैसा जो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो अखंड दीप आपका जल रहा है? जो जल हमारा नहीं हो तो बगल वाले। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हम लोग कह रहे हैं, धन्यवाद। पता चला कि दूसरे संस्था वाला है, बोला मेरी जमीन है, तो मैं मेला प्रशासन प्रभारी अधिकारी जी से बात किया तो उनके कर्मचारी आए, बताए कि आपके बगल में जस्ट जगह है। तो मेरे टेंडर लग चुके थे, उसके बाद मैं फिर हटा नहीं सका क्योंकि मेरे यात्री कल्पवासी सब बच चुके हैं। तो उसके बाद ये लोग आए अचानक, आज मेरे जो है करीब एक पर्व बीत चुका, उसके बाद मेरे कल्पवासियों को गिरा दिए और जो है उसमें जो है कुछ लोगों को चोट लगा, कुछ लोगों का पैसा मोबाइल इधर उधर दब गया या खो गया, जो भी है। यथा स्थिति आज की पोजीशन ये थी, इसलिए मैं कहना था सत्य क्षेत्र में कह दिया। सर, ये बताइए, जैसा कि जमीन आपको बांटी गई थी बांटते समय? जी, हमको बांटी गई थी, लेकिन हमको बताया नहीं गया था आपका कहाँ प्लाट है। हम जब प्रयास किए तो हमको बताया कि आपका बगल में, लेकिन हमारे यात्री जो है बस चुके थे, तो हमने कहा उनको मेरा वाला प्लाट दे दीजिए, उसी का टोटल विवाद है। तो आपके बगल तो भी कोई प्लाट खाली नहीं है? खाली है, वो ट्रांसफार्मर बल मुझको आज भी कहा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा मेरे यात्री बस चुके, अब मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ।